उस कमबख्त ने हमें इस जंग में कसीटा है। आप जानते हैं आप जीत नहीं सकते, ये खुदकुशी है। Hey guys, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 5 बेस्ट एक्शन थ्रिलर एडवेंचर और फैंटेसी मूवीज का कलेक्शन, जिनको आप फ्री टाइम में यूट्यूब पे एंजॉय कर सकते हो। गाइस, ये सारी मूवीज जो हैं यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल हैं और इन सभी के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और हाँ गाइस, ये सारी मूवीज हिंदी में भी डब हैं। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि अगर आप एंड तक नहीं देखोगे तो इस वीडियो को बनाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। और गाइस, आप मेरे को ये भी कमेंट करके बताइए कि आपको इन मूवीज़ के कलेक्शन में से कौन सी मूवी अच्छी लगी या फिर कौन सी मूवी आपने पहले से ही देख रखी थी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। नंबर 5, यू डोंट मिस विद दी जोहान। ये मूवी रिलीज हुई थी 2008 में और मूवी बेस्ड है एक्शन और कॉमेडी एक्टिविटी के ऊपर। बात करें मूवी की स्टोरी की, तो स्टोरी शुरू होती है जोहान से, जो कि एक इसराइल में काउंटर टेररिस्ट कमांडो होता है और वो अपनी इस जॉब से थक चुका होता है। इसलिए वो अपनी मौत का एक झूठा अफवाह फैला देता है और उस शहर से गायब हो जाता है। उसके बाद वो न्यूयॉर्क जाके बस जाता है और अपने हेयर स्टाइलिस्ट बनने का सपना पूरा करता है। गाइस, मूवी जो है पूरी कॉमेडी और एक्शन एक्टिविटी से भरी पड़ी है, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 5.5 की आउट ऑफ 10। नंबर 4, आफ्टर अर्थ। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में और मूवी बेस्ड है साइंस फिक्शन और एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। बात करें मूवी की स्टोरी की, तो स्टोरी शुरू होती है विल स्मिथ और उनके बेटे जॉर्डन स्मिथ से। तो वो लोग एक प्लेन में जा रहे होते हैं जो कि क्रैश हो जाता है एक जंगल में, और उसके बाद जो विल स्मिथ होते हैं वो थोड़े इंजर्ड हो जाते हैं। गाइस, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वहाँ के जंगल के जो जानवर होते हैं उन लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो गाइस, ये जो मूवी है एक्शन एक्टिविटी से भरी पड़ी है, तो इस मूवी को भी आप ट्राई कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 4.8 की आउट ऑफ 10। नंबर 3, सेवंथ सन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और मूवी बेस्ड है फैंटेसी और एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। बात करें मूवी की स्टोरी की, तो स्टोरी शुरू होती है मेलकाइन नाम की एक विच से, जिसे एक प्रोफेशनल विच हंटर ने किडनैप कर लिया होता है। किडनैप यानी कि उसे पकड़ के एक गड्ढे में बंद कर लिया होता है। उसके बाद वो कुछ दिनों बाद वहाँ से किसी तरह निकल जाती है और लोगों को मारना शुरू कर देती है। उसके बाद उसको मारने के लिए उसी का सातवां बेटा आता है। अब गाइस, सारी स्टोरी मैं ही बता दूंगा तो मूवी देखने का आपको मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ कम से कम स्टोरी बताने की। तो इस मूवी को जो रेटिंग मिली है IMDb की ओर से 5.5 की रेटिंग मिली है, तो इस मूवी को भी आप ट्राई कर सकते हो। नंबर टू पे जो मूवी आती है उसका नाम है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। ये मूवी आपको YouTube पे नहीं मिलेगी, लेकिन इसका जो डाउनलोडिंग लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और साथ ही साथ आपको ट्यूटोरियल भी प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो इस मूवी को। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 6.4 की आउट ऑफ 10। ये क्या कर दिया तुमने? नंबर 1, सोर्स कोड। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में और मूवी बेस्ड है एक्शन और थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। बात करें स्टोरी की, तो इसमें स्टोरी दिखाई गई है एक बंदा होता है जो कि ट्रेन में होता है, लेकिन वो उसकी जो आत्मा होती है उसकी अपनी बॉडी में नहीं होती है, उसकी मतलब आत्मा किसी और की बॉडी में होती है। और जब तक वो समझता है कि ये सब क्या चल रहा है, उतनी देर में उस ट्रेन में एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है ये आपको मूवी में देखना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 7.5 की रेटिंग। तो रेटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मूवी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो इस मूवी को भी आप मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, मेरे को कमेंट करके बताओ कि आज की इस वीडियो में आपको कौन सी मूवी अच्छी लगी या फिर आपने कौन सी पहले से ही मूवी देख रखी थी। और गाइस, कमेंट करके बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको किस तरह की मूवीज चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसी तरह की मतलब मूवीज जो है मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और थैंक यू फॉर वॉचिंग।